जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, रविवार का दिन 16 जनवरी, इंद्र योग अद्रा नक्षत्र। इंद्र योग में अद्रा नक्षत्र, राहु और शनि का प्रभाव, केतु की छाया, चंद्रमा बृहस्पति, मंगल और शुक्र की दृष्टि, मंगल का राशि परिवर्तन। अद्रा नक्षत्र में राहु और शनि का प्रभाव, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख, जीवन में सौभाग्य का सुंदर योग। आज आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, उन्नति भी होगी और भाग्य सुख संपत्ति से आपको परिपूर्ण बनाएगा, क्योंकि आज इंद्र योग अद्रा नक्षत्र है, राहु और शनि का प्रभाव है। मंगल का राशि परिवर्तन आज आपके लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मंगल इस समय आपकी कुंडली के धन स्थान में केतु के साथ गोचर कर रहा है। 16 जनवरी को मंगल का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में होगा, जो आपके लिए बड़ा शुभ लाभ लेकर आएगा। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ है, जिससे आपके जीवन में धन बढ़ेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, कार्य में सफलता मिलेगा। मंगल जो इस समय केतु के साथ धन स्थान में बैठा है, मंगल अब आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में शुक्र के साथ गोचर करेगा और धन स्थान में केतु का गोचर होगा। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में उदय होगा। चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा। चंद्रमा जब भाग्य स्थान में उदय होगा, उस समय मंगल का गोचर आपकी कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम स्थान में रहेगा। चंद्रमा का जब उदय आपके भाग्य स्थान में होगा, तो आपके नौकरी में, आपके व्यापार में, आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा परिणाम देखने को मिलेगा। आपके जीवन में हर तरफ समृद्धि, सुख, लाभ का सुंदर योग है, जो आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा। मंगल का गोचर इस समय आपके जीवन में बहुत सारे लाभ लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति मंगल के प्रभाव से होगा। किसी नए काम की शुरुआत मंगल के प्रभाव से होगा, लेकिन उसमें सफलता राहु और शनि के प्रभाव से संभव है। इस समय शनि आपकी कुंडली के सुख स्थान में बुध और सूर्य के साथ बैठा है। बुध ऐसा ग्रह है जो शनि का मित्र है, बुध ऐसा ग्रह है जो सूर्य का मित्र है। बुध आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। बुध ऐसा ग्रह है जो सूर्य के साथ भी मित्रता रखता है और बुध शनि के साथ भी मित्रता रखता है। बुध का प्रभाव आपके लिए आज बड़ा शुभ होगा, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा, जिसके कारण आपके जीवन में सुख धन बढ़ेगा। बृहस्पति जो आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, बृहस्पति और मंगल एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं, इसलिए जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति जो पंचम भाव में बैठा है और मंगल जो आपके पराक्रम स्थान में है, आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। कार्य में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, परिवार में खुशियां बढ़ेगा। ये जो समय है आपके लिए बड़ा अनुकूल है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, बाधा है,
जीवन की रुकावटें हैं तो आप ऐसा देखेंगे वो रुकावट, वो बाधा, वो परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे, मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यानी आज इंद्र योग अद्रा नक्षत्र में राहु और शनि का प्रभाव, केतु की छाया, चंद्रमा बृहस्पति, मंगल और शुक्र की दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ होगा। यानी आपकी जीवन की मुश्किलें दूर होने वाली हैं, आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला, जीवन में भाग्य को चमकाने वाला, सुख धन देने वाला, यानी आपके जीवन में सुख और धन की प्राप्ति, सब कुछ अद्रा नक्षत्र में राहु और शनि के कारण संभव होगा। आप शांत से अपने काम को करते जाएं, मन में शांति रखें, अवसर का इंतजार करें। आपका बहुत सारा काम आज पूरा होने वाला है, क्योंकि आज इंद्र योग है। इंद्र योग में हर परिस्थिति में आपको लाभ का योग बनता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, लगातार कोशिश करते रहें किसी नए काम की शुरुआत, आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। यानी आज अनुकूल अवसर है, लाभ का योग है, दिन अच्छा है, तो कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, घर में खुशियों का माहौल होगा, साथ ही साथ आज कोई बड़ी सफलता मिलना तय है। मेहनत से काम करेंगे, भाग्य के सितारे भी बुलंद होंगे और आपके जीवन में तरक्की उन्नति भी प्राप्त होगी। आज कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं, आज आप कोई महत्वपूर्ण काम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे, आपके लिए बेहतरी का अवसर भी मिलेगा। आपके लिए दिन महत्वपूर्ण है, जो आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ देगा। आपके पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी, आपके जीवन में लाभ और समृद्धि का योग है, तो उत्साहित होकर अपने काम को करते जाएं। आपकी सारी योजनाएं सफल होंगी, आपके जीवन में समस्याओं का समाधान होगा, लाभ मिलेगा, उन्नति और तरक्की आपको प्राप्त होगी। आज तुला राशि वालों के लिए इंद्र योग बहुत कुछ लाया है। जब इंद्र योग होता है तो आपके जीवन में लाभ और खुशियों का आगमन होता है। जब इंद्र योग होता है तो आप अपने काम को बहुत मेहनत से करते हैं और बड़ी सफलता पाते हैं। जब इंद्र योग आता है तो आपके जीवन में जीत हासिल होती है। जब इंद्र योग आता है आपके जीवन में सुख धन बढ़ता है। तो आज ये शनि और राहु का प्रभाव है जो आपके लिए शुभ है, उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा बृहस्पति मंगल और शुक्र की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है, ग्रहों का गोचर शुभ है, इसलिए आपके जीवन में शुभ प्रभाव बढ़ेगा और आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा। आज अपने आत्मविश्वास को बना के रखें तो कारोबार का विस्तार होगा, आपके जीवन में उन्नति होगी, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जिन कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हैं उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे और वो कठिनाई धीरे धीरे आपके जीवन से खत्म होगी। तो विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 16 जनवरी रविवार का दिन, पौष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, इंद्र योग अद्रा नक्षत्र, राहु और शनि का प्रभाव, केतु की छाया, चंद्रमा बृहस्पति, मंगल और शुक्र की दृष्टि। ये समय सौभाग्य के लिए शुभ है, ये समय भाग्य को चमकाने के लिए उत्तम है। मेहनत करते जाएं, सत्ता का सुख प्राप्त होगा, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और सोया हुआ नसीब भी जागेगा। आत्मविश्वास को बना के रखें, बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी, मन से नकारात्मक विचार दूर होंगे और आपके जीवन में कुछ अच्छे काम होंगे, कुछ अच्छे विचार आएंगे
और मन शांत होगा, जीवन में उन्नति और तरक्की होगी। तुला राशि वालों, अद्रा नक्षत्र में आज दिन की शुरुआत शुभ मुहूर्त ब्रह्म बेला सुबह 5:27 से आरंभ होगा, जो 6:21 तक रहेगा। राहु और शनि का प्रभाव है, चंद्रमा बृहस्पति मंगल और शुक्र की दृष्टि है। अद्रा नक्षत्र है, राहु के प्रभाव से दिन की शुरुआत होगी। राहु जो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा राहु जो आपके जीवन में हर मुसीबत को दूर करता है, अचानक सुख देता है, धन देता है, भाग्य को चमकाता है, आपके जीवन में उन्नति देता है, तरक्की देता है, तो अपनी जिम्मेवारी को आप अच्छे से निभाएं, आपके जीवन में बड़ा लाभ का सुंदर योग है, शानदार दिन है। अभिजीत मुहूर्त जो 12:10 से आरंभ होगा, 12:52 तक। अभिजीत मुहूर्त में शुक्र की दृष्टि होगी, केतु की छाया होगी, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, मेहनत से आप काम करेंगे, आपका मेहनत आपके भाग्य सौभाग्य को चमकाएगा, आपका मेहनत आपके जीवन में उन्नति तरक्की लेकर आएगा। आज का विजय मुहूर्त 2:16 से 2:58। विजय मुहूर्त में आज शनि का प्रभाव होगा, चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि होगी। शनि जो आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठा है, चंद्रमा जो भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, बृहस्पति जो पंचम भाव में है, परिवार में खुशियों को बढ़ाएगा, आनंद का वातावरण बनाएगा, आपके जीवन में लाभ और उन्नति का योग बनाएगा। अमृतकाल 2:59 से 4:47। अमृतकाल में भाग्य के सितारे बुलंद होते हैं, मन में शांति समृद्धि होती है, जीवन में उन्नति होती है और सुखों का भोग आप करते हैं। आज का राहु काल 4:28 से 5:47। राहु काल में किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। राहु शनि का प्रभाव है, चंद्रमा बृहस्पति मंगल शुक्र की दृष्टि है, केतु की छाया है, अद्रा नक्षत्र है, इंद्र योग है, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा, लकी नंबर 4 होगा। तो तुला राशि वालों के लिए राहु और शनि का प्रभाव बड़ा शुभ परिणाम लेकर आएगा, आपके भाग्य सौभाग्य को चमकाएगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। राहु शनि का प्रभाव है, अद्रा नक्षत्र है, आपके लिए लाभ का योग बनाएगा, आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा, उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा, मेहनत से काम करें तो सारे काम बनते जाएंगे। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में उन्नति तरक्की सुख समृद्धि का योग है। तो ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय।